अखिल भारतीय पेंशनर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार अपने एक वर्ष का जश्न मना रही है तो दूसरी तरफ प्रदेश के 45,000 बिजली बोर्ड कर्मचारी सड़कों पर है और उन्हें रोजी रोटी के भी लाले पड़े हैं। चंबा जिला मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान घनश्याम शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश की जनता को 10 गारंटियां दी थी वो झूठ निकली हैं और सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। घनश्याम शर्मा ने कहा कि अगर सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों की मांगों को 19 जनवरी तक पूरा नहीं किया तो प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेवार वर्तमान प्रदेश सरकार होगी। सरकार ने एक वर्ष का जश्न पूरा होने का जिला कांगड़ा की धर्मशाला के अंदर मनाया और करोड़ों रुपए उस जश्न को मनाने में खर्चा जो है वो किया गया। आज हैरानी की बात यह है कि जहां सरकार करोड़ों रुपए अपने आप को प्रमोट करने के लिए खर्चा कर रही है, जश्न मनाने के लिए खर्चा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मेरे प्रदेश का आज बिजली बोर्ड का कर्मचारी और पेंशनर सड़कों पर है। वो लोग एजिटेशन पे हैं क्योंकि आज 45,000 लोगों की बिजली बोर्ड की रोजी रोटी के लाले जो हैं वो पड़ चुके हैं। सरकार ने प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों की जो मुख्य मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया तो 19 जनवरी के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ बाकी संगठनों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो करने जा रहा है।